आप भी बोल रहे होंगे 5,000 की सर्विस करके दी, सेट करके दी गाड़ी पूरी, तो क्या हाल करके आ गया वापस। तो ये देखो भाई शॉकर कैसे एडजस्ट हो रहा है भैया, हो रही है ऊपर, वो देखो ना भैया ऊपर उठ रही है। पहले इसको ना वार्म अप होने दो भाई, बहुत दिनों से शेर ना बंद था भाई, तो आज इसको लेके जा रहे हैं यहाँ से। न्यू वर्सेस ओल्ड भाई, ये बहुत खतरनाक मशीन है। ओ भाई क्या बात है यार, स्मूथ देखो भाई कितनी चल रही है बाइक यार। वो मेरी वाली बुलेट देखो कहाँ पे भाई, इतना पीछे रह गई। 8 साल पहले की बाइक है और एकदम से मिंट कंडीशन में है भाई। शेर चाहे जख्मी होगा ना, शेर शेर होता है, ठीक है। से भाई प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ सारे चलो, जितने भी बंदे हो सारे साथ में राइड करते हैं। छोटे छोटे मिडिल क्लास के बच्चे ना इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, 50-60,000 कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। बाद में यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा या नहीं करेगा, मतलब दिल को चुभता है। मेरे को पता नहीं क्यों चुभता, मेरे को नहीं पता। स्वागत करता हूं आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूं आप एकदम से बढ़िया होंगे। ये चेक करें, मैं अपने रूम से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिन्होंने मेरे लिए प्रे की ना, तुम मनाली से घर सेफली पहुंच जाओ, मैं सबका दिल से थैंक यू करता हूँ। आज के ब्लॉग का सीन ये है भाई लोग कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अपनी वुल्फ जो है ना भाई वो सीज हो गई थी, ओके। तो हमने इसको बाहर तो निकाला था, लेकिन जो हमारी आरसी है ना वो पुलिस स्टेशन में रिटेन हो गई है। तो अभी ना हमें कोर्ट जाना भाई 13 जनवरी 2023 को, वहाँ पे अपना फाइन पे करना है। मेरे को नहीं पता भाई कलर चेंजेस का कितना फाइन होता है, आई थिंक ना 5,000 तक तो होगा ही होगा मोटा मोटा भाई। तो अभी हमें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं अपनी वुल्फ के, वो ये है कि पोल्यूशन है एक साथ में, दूसरा इंश्योरेंस है, दोनों डॉक्यूमेंट्स ओके करते हैं फिर कोर्ट के लिए जाना पड़ेगा मे भी। दूसरी चीज जो है ना भाई वो ये है कि जो सस्पेंशन वुल्फ का था लास्ट वाले व्लॉग में मैंने तुम्हें दिखाया था, वो बैठ गया हुआ है, ओके। तो उसको भी हम जाके ठीक करवा देंगे, लेट्स सी, देखते हैं। 5,000 का तो सस्पेंशन आने वाला है, तो चीजें करवानी। अभी मौसम यहां जम्मू का बहुत खराब है, मैं तुम्हें बाहर दिखाऊं तो कुछ इस तरह का वेदर है, तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कजिन भी रेडी हो गया यहां पे, रेडी हो? रेडी बोल रहे थे वुल्फ को भेज दो, ठीक नहीं कराओ। अच्छा कौन कौन बोल रहा है जरा मेरे को बताना। वुल्फ को भेज दो, ठीक नहीं कराओ वुल्फ को। भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वुल्फ को नहीं भेज सकते। कहते हैं ना व्हेन शी ब्रेक्स फिक्स हर, She don't break your heart. बड़ी अच्छी बात बोली इसने, क्योंकि नॉन लिविंग है वुल्फ, वुल्फ ने हमें यहाँ तक सपोर्ट किया, तो हम इसको बेच कैसे सकते हैं। KTM का सोच भी सकते हैं लेकिन वुल्फ का अभी तो इम्पॉसिबल है। So finally guys, हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो क्या हो गया तेरे हेलमेट को? अभी ना इसका SMK का हेलमेट था, इसको पहले अंदर वाली साइड से सेट कर देते हैं। तो वुल्फ हमने यहाँ पे पार्क करके रखी है, इसकी भी बहुत गंदी हालत है। ये देखो इसका तो सबसे बुरा मेरे को लग रहा है वो शॉकर का, वो देखो बैठ गया हुआ, तो नीचे से ना बिल्कुल डाउन हो गई बाइक। तो इसको भी ठीक करवाते हैं, पहले इसको हेलमेट सेट करके देते हैं। गाइस पहले बाइक्स को ना बाहर निकालते हैं सामने से, तो इसका फेस ऐसा देखने लायक ही नहीं है। ये देखो भाई हालत देखो, कीचड़ की वजह से क्या हो गया। ये सारे ना मड गार्ड क्लीन कराना, इवन वॉश अच्छे से करवाते हैं। बैक साइड से देखो इसकी हालत क्या, RC 390 की। तो वुल्फ को भी बाहर निकालते हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर छोटे छोटे बच्चे आए यहाँ पे, तो अभी ये बताएंगे आपको कौन सी बाइक दोनों में से अच्छी लग रही है। इसका क्या नाम है? हाँ वुल्फी लगती है अच्छी। कैसे सेल करें भाई, इतने छोटे छोटे बच्चे कनेक्ट है इसके साथ। ठीक है गाइस निकलते हैं हम यहाँ से फुल पावर। ये हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे पहुंचे हुए हैं, एंड यहाँ पे देखो ब्लैक टॉप गिर रहा है जो कि नया वाला, बहुत अच्छी बात है यार। ये हमारे जम्मू में ना यहाँ पे खड्डे बहुत हो गए थे पता आपको। अब यहाँ पे ट्रैफिक का इतना ज्यादा रश है ना भाई। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं KC थिएटर के पास। एक टाइम पे ये ना थिएटर बहुत मशहूर था, लेकिन अब जब से वेव वगैरह आ गए ना, तो उसके बाद ना मतलब टोटल चेंज ही हो गया। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंचे बजाज के शोरूम के बाहर। जैसे तुम देख रहे हो वुल्फ को हमने लाया हुआ यहाँ पे, तो अभी ना अंदर पार्क करके रखते हैं। ये सारे ना भाई सर्दी यहाँ पे आग वगैरह सेक रहे हैं। सुरजीत भैया एक मिनट इधर आना। हाँ इसको मनाली लेके गए थे ठीक है, तो इसके पीछे ना दो बंदे बैठे हुए थे। इसका बैक वाला ये पूरा नीचे दबी गया है, ये ऊंची थी बाइक। आप भी बोल रहे होंगे 5,000 की सर्विस करके दी, सेट करके दी गाड़ी पूरी, तो क्या हाल करके आ गया वापस। जैसे खड्डे में जाती है पीछे पीठ को लगती है। पहले गाइस यहाँ से अंदर चलते हैं। सुरजीत भैया बोल रहे हैं कि अंदर ही बाइक को लेके आओ। सो अभी शॉकर की एडजस्टमेंट करते हैं इसमें। हाँ लेकिन बाइक की बहुत बुरी हालत हुई भैया। हाँ। बारिश भी पड़ी थोड़ी बहुत, आराम से लेके गए हम, वो बात नहीं है। वुल्फ पहुंच गई वहाँ मनाली भी। हाँ बर्फ पड़ी है क्या? हाँ बर्फ पड़ी है। तो ये देखो भाई शॉकर कैसे एडजस्ट हो रहा है भैया, हो रही है ऊपर, वो देखो ना भैया ऊपर उठ रही है, को टाइट कर दिया। हाँ हाँ तो गाइस हम दिखाते हैं अभी तुम्हें, देखो कितना फर्क आ गया, ऊपर हो गई है कैमरे में देखो। अभी हम अपनी वुल्फ को चेक करते हैं, आ जाओ तुम पीछे बैठो जरा, हमें पता चलेगा कैसा है। नॉर्मल हाइट, नॉर्मल हाइट भी वापस आ गई। अभी ना सुरजीत भैया ने बोला कि नॉर्मली राइड कर लो, अभी RS 200 अभी ना इसका शॉकर चेंज नहीं करवाओ, ने ना एडजस्ट करके दे दिया हमें। सो गाइस अभी हमने अपनी RC नहीं लाई थी, तो यहाँ से हम चेसी नंबर नोट कर लेते हैं, तो फिर भैया को ऊपर देंगे, वो हमारे को ना इंश्योरेंस बना के दे देंगे। चलो मैं तो चेसी नंबर निकाल के आ गया था, लेकिन भैया ने इधर ऑटोमेटिकली निकाल दिया। ये पोल्यूशन बनेगा यहाँ से? नहीं यहाँ से। अच्छा अच्छा तो ये आपने दो कॉपीज दे दिया हमें? हाँ, एक घर
क्या बात है, देखो इतनी केयर की जा रही है, दो दो कॉपी दे दी है। थैंक यू भैया। गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे हुए, तो यहाँ से ना पोल्यूशन भी बन जाता है यहाँ से, तो पहले ना वुल्फ का करवा देते हैं, क्योंकि ड्रीम ना BS6 बाइक है, तो उसमें पोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको करवाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से कैमरा वगैरह लगा हुआ फुल पावर, यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट डाला है, तो यहाँ से पोल्यूशन चेक होगा कि वुल्फ कितनी पोल्यूशन कर रही है इस एनवायरमेंट में। ठीक है नेक्स्ट डे गाइस, जैसे कि आपने कल देखा था, हमने अपनी बाइक में ना पोल्यूशन भी बना दिया था, साथ में अपनी जो इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट थे ये भी निकाल दिए थे। तो कल अंधेरा हो गया था, मैं अपना व्लॉग ना कंटिन्यू नहीं कर पाया था आगे। अब इसको ना पेट्रोल डाल देते हैं यहाँ से, उसके बाद इसको वॉश भी करते हैं। वो पता है कल मेरा कजिन आयान जो मेरे साथ होता है, वो अपनी दादी के घर गया था, वहीं रहने जानीपुर में उनका घर है, तो उसके साथ भी चलते हैं मिलने। आज मैं ना नेक्स्ट डे वाला व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और वहाँ पे ना तुम्हें एक ओल्ड वुल्फ दिखाऊंगा जो कि 2015 का मॉडल है भाई। जिस दिन न्यू RS 200 आई थी ना, वो पहला ओरिजिनल मॉडल है, इतनी ज्यादा पावर है ना हमारी RS 200 BS4, तो भाई कुछ भी नहीं है उसके सामने। इवन BS6 उसके बाद तो जैसा खिलौना होता है ना, खिलौना की तरह लगती है। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, इतनी सर्दी में ये लोग इतने सारे कहाँ जा रहे हैं, इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है ना, ऊपर से हाथ ना ऐसे शिवर कर रहे हैं भाई सर्दी से। मुझे लगता है ना मनाली से ज्यादा सर्दी तो जम्मू में है भाई, इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई हमारे जम्मू के ब्लॉगर चले कहाँ गए, क्योंकि मौसम ही नहीं है ब्लॉग करने का भाई। कार में तुम इजीली ब्लॉग बना सकते हो, लेकिन बाइक पे बहुत मुश्किल है भाई, पता है आपको। मेहनत जब करता है ना इंसान, तो उसको ना उसका फल मिल ही जाता है एक ना एक दिन। तो यार ना एक दिन अपनी दादी के घर चले गए, क्योंकि 7-8 दिन तो कंटिन्यू मेरे साथ रहा था, तो मेरे को ऐसे घर पे ना खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि उनकी दादी ना वहाँ पे अकेली थी। तो आई थिंक ना यहाँ से रोड अंदर वाली साइड है, पता मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं अकेला नहीं रह पाता यार लाइफ में। मतलब मेरे साथ कोई ना कोई हमेशा होना चाहिए, चाहे मेरा छोटा भाई हो, मेरी सिस्टर हो, या तो मेरे फ्रेंड्स हो, कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में क्या है भाई, आप अकेले रह पाते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना आपकी लाइफ में कैसा है। मैं ना बहुत बोर हो जाता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। इस तरह की लोकेशन पे अभी हम पहुंचे हुए हैं, एंड यहाँ से ना ऊपर मेरा कजिन रहता है, तो ये वाला घर है यहाँ पे। क्या हाल है भाई, ठीक हो? मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं, हाँ यहाँ सर्दी भी बहुत ज्यादा है। जो सरप्राइज तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ वो ये वाली बाइक है, एकदम से न्यू है बाइक भाई, 17,000 चली है, और वो इन वाले बाइक की है। तो ये मेरा वेट पहले ही कर रहे थे यहाँ पे, वुल्फ मेरा कजिन लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि वुल्फ के साथ तो उसकी तरह की बाइक होनी चाहिए ना, जो मतलब उसकी जैसी होगी, ठीक है। तो उसकी जैसी ये वाली बाइक है भाई, बम्बलबी जो ट्रांसफार्मर हमारा, और ये ना बहुत हाइप में थी जब नई नई बाइक आई थी, तो बहुत लोग पसंद करते थे। अभी भी RS 200 के वाइल्ड फैंस है, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें, ये बाइक ना सच में एक जैम की तरह होती है ना, जब इसमें 400 cc का बाइक आएगा ना, तो मतलब ये ना पूरी आग लगा देगा भाई इंडिया में। दिखाने वालों जितनी पावर इस बाइक में है ना, इतनी किसी बाइक में नहीं है। इसमें ना बेस वाली आवाज है, नॉर्मल जो RS है ना ऐसी साउंड नहीं करती, देखो बहुत बेस वाली साउंड निकालती है। तो अब इसको लेके चलते हैं, वुल्फ को लाते हैं, फिर देखो तुम मजा आने वाला है। ओके, पहले इसको ना वार्म अप होने दो भाई, बहुत दिनों से शेर ना बंद था भाई, तो आज इसको लेके जा रहे हैं यहाँ से। हमारी RS 200 का नॉर्मल कलर होता था इंजन का, वो ना एकदम से मतलब सिल्वर टाइप का होता था, ये ना गोल्डन में आता था इस वाली बाइक में। टॉर्च भी डिफरेंट है हमारी बाइक से, देखो इसमें सिल्वर कलर का एडिशन आता है, और एकदम से सॉलिड आवाज निकालती है भाई, ये देखना। ये चेक करो, ये वुल्फ हमारी सामने लगी है। यहाँ पे ना बहुत तंग तंग सी गलियां, जैसे तुम देख रहे हो भाई, यहाँ पे पूरा ना इसके अंदर जंग लगा हुआ है, लेकिन तब भी भागती है यार। भागती क्या पर यार, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी, इसको हम राइड करेंगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि ओल्ड जो RS 200 और न्यू में क्या फर्क है, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हें ये डिफरेंस बताने के लिए, न्यू वर्सेस ओल्ड। भाई ये बहुत खतरनाक मशीन है, सच बोल रहा हूँ तुम्हें। भाई क्या बात है यार, स्मूथ देखो भाई, कितनी चल रही है बाइक यार। वो मेरी वाली बोल, देखो कहाँ पे भाई, इतना पीछे रह गई। भाई उसमें ना फ्यूल पंप भी उड़ा हुआ है, पता आपको। नहीं भागती क्या ये गाड़ियाँ है, तो जरा पहला गियर लगाया भागा यार, बहुत ज्यादा डिफरेंस रह गया भाई, पीछे देख रहे हो। मेरी वाली RS 200 कितना पीछे रह रही है भाई, ये बहुत खतरनाक मशीन है। तो इसमें एक और चीज है, तुम मैनुअली DRL को सेट कर सकते हो, अगर तुम्हें बंद करना है तो बंद भी होंगे, वो देखो कर रहा बंद, और प्रोजेक्टर ऑन करना होगा वो भी होता है, एक प्रोजेक्टर एक भी ऑन होता है, दूसरा भी ऑन होता है, जो तुम चाहते हो ना वो तुम ऑन कर सकते हो इसमें। तो हर कोई भाई फीचर है, बस फीचर के मामले में ये वाला बटन जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देखो नीचे वाली साइड। तो तुम ना प्रॉपरली इसकी लाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हो, DRL अगर तुम्हें ऑफ करके रखना है, बैटरी को सेव करना है, तो वो भी बंद हो जाती है और ऑन हो जाती है, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसको लेके, यहाँ पे बड़े सारे बंदे आ गए हैं। भाई बोल रहा था हमेशा कि मैंने ना आपके साथ राइड करनी है, तुमसे भाई प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ सारे चलो, जितने भी बंदे हो सारे साथ में राइड करते हैं। इनको काम करते हो शाम को? तो रात को वो भी राइड, हाँ वही राइड, वही बताया इन्होंने, आई थिंक सोमेटो का क्या बोला, राइड करते हैं, जो भी है भाई काम कर रहे हैं, साथ में मोटो व्लॉग भी कर रहे हैं। बंदे ने इतना खर्चा किया, GoPro भाई 50,000 का लिया, रोड का माइक लिया, मतलब 50,000 का सेटअप लगा है, साथ में आईफोन भी एडिटिंग करने के लिए। तो चलो यार ऊपर वाला तुम्हारा सही कर दे,
तो चलो, हाँ चलो चलो। छोटे छोटे मिडिल क्लास के बच्चे ना इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, 50-60,000 कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। बाद में यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा या नहीं करेगा, मतलब दिल को चुभता है। मेरे को पता नहीं क्यों चुभता है, मेरे को नहीं पता है। सही कहता हूँ कि ऊपर वाला हर किसी के साथ अच्छा करे यार। फ्लो जो है ना बड़ा तबाही वाला है भाई। मैंने सोचा नहीं तो भाई ऐसे जम्मू में भी बंदे बोलते हैं। जरा बोल के बताना कुछ और। तो गाइस अभी मैं आया हूं जो हमारे जो वुल्फ राइडर जो गया उनके साथ, तो यहां पे देखते हो बाइकें वगैरह भी बहुत। हां क्या बात है, कैमरा मूवमेंट देख, ये देख ये हुई ना बात। वेरी गुड भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो, साथ में चलते हैं राइड करते हैं। 125 है हमारे पास फुल है, हमारी KTM RC390 है, साथ में ड्यूक आ गई। एक टाइम पे अकेला व्लॉग करता था यहाँ पे, पता तो है आप सब लोगों को कि तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा होता था ना वुल्फ के साथ। तो गाइस सबके साथ ना आहिस्ता आहिस्ता करके राइड करते हैं, कोई गिरे ना यार। देखो कितने अच्छी तरह से सारे बाइक चला रहे हैं, रोड में कितना भागती है। चलो चलो, हाँ चलो। 47 कहीं पहले गियर में मेरी भी इतनी जाती है, लेकिन यार ओ भाई मेरी साथ में चल रही है यार। भाई ओ ये क्या हो गया, गियर अटक गया मेरा यार। 145 46 47 मैंने बोला था ना भाई, 150 चले जाएगी। 47 48 49 150 भाई। शेर चाहे जख्मी होगा ना, शेर शेर होता है, ठीक है। गाइस हम अपनी बाइक्स को ना वॉश करते हैं यहाँ पे। फाइनली गाइस हमारी बाइक की वॉशिंग हो चुकी है, जैसे ड्रीम की ओरिजिनल लुक है ना वो वापस आ गई है फाइनली। ये देखो तुम कितना प्यारा लग रहा है, कैसे कितनी अच्छी लग रही है वॉश करके। और हमारी न्यू वाली वुल्फ देखो रैप करके कितना अच्छा लग रहा है।